बात करेंगे 8 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया? तो इस बार इसका विषय था सभी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण, यानी क्रिएटिंग ए क्लीन हेल्दी वर्ल्ड फॉर ऑल। किसे अटल नवाचार मिशन का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है चिंतन वैष्णव। हु हैज अपॉइंटेड वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इस बार अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो कि वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। किस संगठन ने भारतीय नौसेना के जहाजों को बचाने के लिए चैप प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो ये DRDO ने की है। 8 मिलियन से अधिक COVID-19 टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उसका नाम है महाराष्ट्र। वियतनाम देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फाम चिन मिन चीन, ये वियतनाम के प्रधानमंत्री बने हैं। आपको बताना है वियतनाम की राजधानी और वहाँ की मुद्रा क्या है, और वियतनाम की जो सीमा है वो कितने देशों को लगती है। किस शहर में मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 स्वीप ट्रॉम लॉन्च किए हैं? तो ये कोलकाता ने लॉन्च किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉलिसी रेपो रेट कितने प्रतिशत रखा है? तो इस बार 4% रखा गया इस तिमाही के लिए। ACT एक्सेलेरेटर के लिए WHO विशेष दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है कार्ल बिल्ट। किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे ब्रिज बना है? तो ये जम्मू कश्मीर में बना है। कर्नाटक लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उनका नाम है शिव शंकरप्पा एस साहूकार। नासा की चंद्रा वेधशाला ने किस ग्रह पर एक्सरे किरणों के उत्सर्जन का पता लगाया है? तो ये यूरेनस पर लगाया गया है। 17वीं बिम्सटेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वो है श्रीलंका। भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है नूतल पाटी वेंकट रमण। लॉन्च पुस्तक व्हाट्सअप विथ मी के लेखक कौन है? टिस्का चोपड़ा। फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? उनका नाम है जेफ बेजोस। किस राज्य ने केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह ज्वाला का निधन हुआ है? ये किस राज्य के केंद्रीय मंत्री थे, मतलब केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, और ये किस राज्य से संबंधित थे? तो ये गुजरात राज्य से थे। तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? कि विचार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये 7 अप्रैल को मनाया गया। किस राज्य के हापुस आम को GI टैग प्रदान किया गया? तो ये महाराष्ट्र के हापुस आम है। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आत्मा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अंशुमन सिंघानिया। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा बना है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। भारत के आर्थिक मामलों के विभाग DEA का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को। भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में जो है तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। स्कूली छात्रों को मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो वो सिक्किम बना। गैबोन देश में भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है रामकरण वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021-22 की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 12.5%। आपको बताना है IMF की स्थापना कब हुई, और जो है ये कितने देशों को जो है ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, और इसके अध्यक्ष कौन है?